द कश्मीर फाइल फिल्म्स पर नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से शुरू हुआ, जो कि इंडिया में ही गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। जब जूरी हेड ने फिल्म की निंदा की, उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपोगेंडा और वल्गर फिल्म करार दिया। IFFI के जूरी हेड और इजरायली फिल्म मेकर नादव लेपेड ने ये बात गोवा में आयोजित फिल्म फेस्टिवल समारोह के समापन पर कही। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म को इतने प्रतिष्ठित समारोह में दिखाए जाने से वो परेशान और हैरान रह गए। जूरी हेड का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई लोग उनके इस बयान की निंदा कर रहे थे तो कई लोग समर्थन भी कर रहे थे। चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के जूरी के हेड नादव लेपेड के कंट्रोवर्सियल स्पीच पर सवाल बढ़ता देख इजरायली एम्बेसडर ने अपने हम वतन फिल्मकार को तगड़ी फटकार लगाते हुए उनके बयानों की निंदा की और इसके लिए वे भारत से माफी भी मांगे। भारत इजरायल के स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली रिलेशन पर इस विवाद का किसी तरह से बुरा असर ना हो इसका ध्यान रखते हुए इजरायली डिप्लोमेट्स ने न केवल उनकी कंट्रोवर्सियल स्पीच को रिजेक्ट किया बल्कि यहां तक कहा कि लेपिड ने भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान मानने की परंपरा का असम्मान कर उनको दिए गए आतिथ्य का दुरुपयोग किया है। लेपिड को इस एक्ट के लिए शर्मिंदा होना चाहिए और उन्हें माफी मांगना चाहिए। इजरायली एम्बेसडर ने लेपिड पर तीखे वार करते हुए ये भी कहा है कि एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हम अपने होस्ट से उनकी उदारता और उनकी दोस्ती का इस खराब तरीके से भुगतान करने के लिए माफी मांगना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में इजरायल के लिए आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।